हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका रितुज मैथमेटिक्स चैनल में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक वीडियो जिससे कि आप क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं किसी भी नंबर का, कोई भी परफेक्ट नंबर जिसका आप आसानी से सिर्फ एक सेकंड में क्यूब रूट फाइंड आउट कर सकते हैं बिना कैलकुलेटर के। बहुत क्विक आप कैलकुलेशन कर पाएंगे। जी हाँ, क्यूब रूट ऑफ एनी परफेक्ट नंबर। आप यूजुअली क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करते हैं, उसमें बहुत समय लग जाता है। तो इस ट्रिक से आप अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। एग्जाम्स में जब आपको हरी हो, आप कैलकुलेशन मेथड ये वाला यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर आपको कैलकुलेशन दिखानी नहीं है, या किसी कॉम्पिटिशन लेवल में ये बहुत यूज़ आने वाला है आपको। तो चलो देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। बड़ा मज़ा आएगा आपको, सिर्फ एक सेकेंड में आप सॉल्व कर पाएंगे। तो चलो देखते हैं। उससे पहले पर आपको ये पता होना चाहिए 1 से 9 के डिजिट्स का क्यूबिंग क्या है। तो पहले देख लेते हैं, 1 का क्यूब हमें पता है 1 होता है, 2 का क्यूब हमें पता है 8 होता है, 3 का क्यूब हमें पता है 27 होता है, 4 का क्यूब हमें पता है 64 होता है, 5 का क्यूब, यस बताइए, 125, वेरी नाइस, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729। तो यहाँ पर हमने क्यूबिंग लिख लिए हैं 1 से लेकर 9 तक के डिजिट्स का। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ फोकस करनी है। यहाँ देखिए 1 के केस में 1 आ रहा है, आगे चलते हैं, 4 के केस में 4 आ रहा है, 5 के केस में 5 आ रहा है, 6 के केस में 6 आ रहा है, और 9 के केस में 9 आ रहा है। मैं यहाँ लिख देती हूँ आपके लिए, 1 के केस में 1, देन 4 के केस में 4, 5 के केस में 5, 6 के केस में 6, और 9 के केस में 9। चलो बाकी बचे हुए देखते हैं। तो अगर आप उस पर फोकस करो तो 2 के केस में यहाँ पर आ रहा है हमारा 8, और 8 के केस में 2, उल्टा हो रहा है। जहाँ 2 यूनिट प्लेस आएगी वहाँ 8 करना है, जहाँ 8 आएगी वहाँ 2 करना है। तो 8 के केस में और 2 के केस में उल्टा हो जाएगा। बाकी दूसरा बचा हुआ देखते हैं। इस पर अगर आप फोकस करो, 3 के केस में 7 और 7 के केस में 3। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ आपके लिए, 3 के केस में 7 और 7 के केस में 3, उसका उल्टा हो जाएगा। तो आपको बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है जो मैंने आपके लिए अभी यहाँ पर लिखा है। 1 के केस में 5, 9, 4 और 6, इनके केस में सेम डिजिट रहेगी। 8 और 2 का अपना वाइस वर्सा है, 3 और 7 का अपना वाइस वर्सा है, 3 के केस में 7, 7 के केस में 3। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आती हूँ। पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्यूब रूट, सपोज मैंने ले लिया नंबर 46656, इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, आपको पेयरिंग करनी है। पेयरिंग कैसे करोगे, पीछे से 3 डिजिट लेनी है, और आगे अगर 3 डिजिट बची है तो वेल एंड गुड, नहीं तो 2 है तो 2 डिजिट। तो ये हमारी पेयरिंग हो गई। अब पीछे से डिजिट वाली का यूनिट प्लेस देखेंगे 6। 6 के केस में मैंने अभी आपको बताया, 6 के केस में हम लेंगे सिर्फ 6 को, सेम रहेगा। और बाकी जो बचा हुआ 46 दूसरा पेयर है, उसमें हमें ये क्यूबिंग देखनी है। 46 से जस्ट छोटा कौन सा है, यस 27 आ रहा है, और एक इसका क्यूब है 3 का, तो यहाँ पर हम ले लेंगे 3। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, 36। देखा है ना, इजी। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, आपको और क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज मैंने नंबर ले लिया 857375, तो हमें इसका क्यूब रूट निकालना है। सबसे पहला स्टेप वही रहेगा, पेयरिंग करेंगे 3 डिजिट लास्ट से, हमेशा पेयरिंग लास्ट से शुरू करना है, स्टार्टिंग से नहीं करना। तो इसमें हमारा 5 के केस में क्या है, 5, सेम डिजिट लिखना है। और 857 से जस्ट छोटा, हमें तो यहाँ पर 729 ही नज़र आ रहा है। चलो 9 से बड़ा भी देख लेते हैं, 9 के बाद आता है 10। अगर मैं 10 का क्यूब करूँ तो वो होता है हमारा 1000, तो अब जैसी बात है 729 ही छोटा है, तो 9 आ गया यहाँ पर। तो हमारा इसका आंसर क्या हो गया, 95। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड। यहाँ पर मैंने नंबर ले लिया सपोज 373248, ये मैंने नंबर ले लिया। चलो इसका क्यूब रूट निकाल के बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में। यस, चलो पेयरिंग करते हैं। अब यहाँ आप फोकस करो तो यूनिट प्लेस 8 है, 8 के केस में हमें क्या लेना है, 2,
और 373 से जस्ट छोटा देखो, 343 किसका क्यूब है, 7 का, तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या आ गया, 72। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट नंबर सपोज मैंने लिया आपके लिए 185193। चलो ये नंबर ले लेते हैं, इसका क्यूब रूट निकालते हैं। ये क्यूब रूट का सिंबल है, क्यूब रूट मतलब यहाँ पर स्क्वायर रूट के ऊपर 3 लिख देना, ठीक है। अच्छा तो इसका क्यूब रूट करते हैं, पेयरिंग करी, यहाँ 3 की जगह पर हम लिख देंगे 7, क्योंकि 3 और 7 वाइस वर्सा है, और 185 से जस्ट छोटा कहाँ है, यस ये रहा 125, तो ये किसका क्यूब है, 5 का, हमारा इसका आंसर क्या हो गया, 57। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं और इसको आप जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके बताओ। नंबर है 531441, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में लिख के, आई थिंक अब तक आपको समझ आ गया होगा। चलो पेयरिंग करते हैं, 1 की जगह पर 1, 531 से जस्ट छोटा कहाँ है, 512, ये किसका है, 8 का, तो इसका आंसर क्या हो गया, 81। 81 का क्यूब इज 531441। आई थिंक ये ट्रिक आपको समझ आ गई होगी, अगर स्टिल आपको कुछ इसमें प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। अभी आपको मैं होमवर्क में 2 क्वेश्चंस देना चाहती हूँ, जिससे कि आपकी ट्रिक्स जो है वो रिवाइज हो जाए, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं इन 2 क्वेश्चंस पे, और आप इनके आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में बताना नहीं भूलना। तो चलो नंबर्स लिखते हैं, एक नंबर मैंने आपको दिया 91125, इसका क्यूब रूट आपको निकालना है, और दूसरा नंबर है आपके लिए 314432। तो ये 2 नंबर्स मैंने आपको दिए हैं, इनका क्यूब रूट निकालना नहीं भूलें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, देखते हैं किसका सबसे पहले रिप्लाई आता है। इसी ट्रिक को अपनाना है, यहाँ से आप कोई भी नंबर लेंगे, उसका चेक करेंगे क्यूबिंग, और उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है, ठीक है। चलिए अभी मैं यहाँ पर, हमारी वीडियो ख़त्म हो रही है, कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। जल्दी ही मिलेंगे नए वीडियो के साथ, अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई है या बाकी वीडियोस पसंद आती हैं तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल आइकन, और मुस्कुराते रहिए, जल्दी ही मिलते हैं, बाय बाय।